मालूम नहीं है। तो हम लोग जब बाबा पुराना गुरुजन से सुनते थे छोटा से, यहाँ विश्वकर्मा ने इस मंदिर को बनाया है, क्योंकि एक पुराणों में आता है गजासुर बोल के एक असुर थे, वो असुर के बाबा हमारे मंदिर के ऊपर जो गाय का खुर है ऊपर जहाँ का पानी बाबा के माथे में गिरता है, उसके विषय में कहा जाता है कि वहीं पर गजासुर को मारे और मारने के बाद यहाँ पर बाबा अपना विश्वकर्मा के बोले कि यहाँ स्थान बनाने दो। तो विश्वकर्मा जी ये मंदिर बनाए कांटे पहाड़ को, इतने में भोर हो गया, आवाज का शब्द आने लगा, इसलिए जितना दूर तक मंदिर बन सका उतना दूर तक बना, उसके आगे नहीं बना। यहाँ का दृश्य तो सावन और शिवरात्रि का अलग दृश्य है। यहाँ का शिवलिंग तो पीताम्बरी कलर का है। अब बहुत भक्त आते जाते हैं, सबका भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाहर का दृश्य तो एकदम झरना से पूरा झरना पौधा जंगल के बीच में भोले बाबा का स्थान है। आप लोग जरूर आइए, एक बार भोला बाबा के पास आइए। कराल भाल भट्टि का दगत 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 ज्वल धरंजया कृत प्रचंड पंच सायके हरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रकार कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीतिनी तम प्रबंध बद्ध कंदर निलिंब निर्झरे धर स्तनो तु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्दुर
पञ्चकारिमा प्रभा वलम्बि कण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्धकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गलम्।